नमस्कार, एंटरटेनमेंट की खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे आदित्य नारायण की। खुशियों का मौका हो और ऐसे मौके पर किन्नर मौजूद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण ने अपने पापा के बर्थडे के दिन ही शादी रचाई। शादी के मौके पर भी जोड़े को आशीर्वाद देने किन्नरों की टोली पहुँच गयी। शानदार सजावट के साथ जब आदित्य अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तभी रास्ते में किन्नरों ने उनकी गाड़ी रोक ली और शगुन की मांग की। आदित्य ने गाड़ी का शीशा हटाकर कुछ रुपए किन्नरों के हाथों में दिए। शायद ज्यादा शगुन की मांग किन्नरों ने की। हालांकि आदित्य ने कितने पैसे दिए यह तो पता नहीं। आदित्य की शादी का एक और वीडियो सामने आया जिसमें कई लोग डांस कर रहे हैं। इस दौरान आदित्य और उनके पिता भी मौजूद थे। आदित्य की शादी श्वेता अग्रवाल से हुई है। दोनों को हमारी ओर से बहुत बधाइयां। हाँ, एक बात और, इस समारोह में मास्क की गैर मौजूदगी रही। शायद आदित्य ने उसे अपनी शादी में नहीं बुलाया। अब बात करते हैं चिंकी और मिंकी की। ये नाम कपिल शर्मा शो में इन्हें दिया गया, लेकिन अब इन्हें चिंकी मिंकी के नाम से ही जाना जाने लगा है। वैसे इनका नाम सुरभि और समृद्धि है। चिंकी और मिंकी कई वीडियोस अपलोड करती हैं और लोग इन्हें बेहद पसंद करते हैं। इंस्टा में इनके 48 लाख फॉलोअर हैं। इस बार ये ट्विंस बहनें हनी सिंह के गाने केयर नहीं करता पर डांस करते दिख रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों बहनें बेहद ही स्टाइलिश नजर आ रही हैं और उनके डांस वीडियो को भी काफी पसंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे हैं। वहां वे बॉलीवुड से जुड़े कई हस्तियों से मुलाकात करेंगे। पिछले दिनों योगी ने उत्तर प्रदेश में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के निर्माण के लिए जमीन आवंटित की है और बॉलीवुड से जुड़े लोगों से मुलाकात कर उन्हें उत्तर प्रदेश के फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं। इसी सिलसिले में अक्षय कुमार ने उनसे मुलाकात की। दोनों की मुलाकात काफी देर तक चली, यानी अब कलाकारों के लिए अब एक और इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में होगी। उम्मीद है कि जल्द ही कलाकारों को एक और प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। इसी तरह की बॉलीवुड की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।